हेलो गाइस, बढ़ते हैं हमारे चैप्टर टू चैप्टर थ्री ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड की तरफ। पर उससे पहले कुछ चीज़ें और हम जान लें कि एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर टोटल चैप्टर्स हैं 19, टोटल सेक्शंस हैं 264 और शेड्यूल्स हैं 3। पर 2018 और 2019 के अमेंडमेंट के बाद एमपी लैंड रेवेन्यू कोड कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो अब टोटल चैप्टर्स जो हमें पढ़ने हैं वो है 17, दो चैप्टर्स रिपील कर दिए गए हैं। और शायद प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2018 अमेंडमेंट एक्ट की एनफोर्समेंट डेट क्या है, तो 25 सितंबर 2018, और 2019 अमेंडमेंट एक्ट की एनफोर्समेंट डेट है 12 फरवरी 2020। और शायद ये भी क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो स्टेट लिस्ट है उसका लैंड रेवेन्यू कौन से नंबर का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नंबर 46। तो ये थी हमारी बेसिक बातें। इसके बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर टू की तरफ, जो कि बात करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। तो चैप्टर टू जो है वो स्टार्ट होता है सेक्शन थ्री से। सेक्शन थ्री बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व मंडल के गठन के बारे में। तो इसका जो क्लॉज वन है ये हमें बताता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कौन सी अथॉरिटीज बैठेंगी, तो एक प्रेसिडेंट और दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स। तो ये मेंबर्स कौन होंगे, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, वो हमें बताता है सेक्शन फाइव। तो सेक्शन फाइव ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को अगर मेंबर बनना है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, तो वो हाई कोर्ट का जज बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके पास, और या तो वो रेवेन्यू ऑफिसर रहा हो 5 साल तक, और कलेक्टर से रैंक की नीचे का नहीं होना चाहिए, तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेंबर बन सकता है। फिर आती है बात सेक्शन थ्री के क्लॉज टू की। तो क्लॉज टू ये बोलता है कि 1959 के पहले, मतलब इस कोड के लागू होने के पहले, जितने भी रेवेन्यू बोर्ड थे जो डिफरेंट रीजन में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे थे, वो इस कोड के लागू हो जाने के बाद सेक्शन थ्री के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माने जाएंगे। फिर आता है सेक्शन फोर, जो कि बात करता है प्रिंसिपल सीट की। जैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट कहाँ पे है, जबलपुर में, और दो डिफरेंट बेंचेस हैं इंदौर और ग्वालियर में, वैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की प्रिंसिपल सीट के बारे में प्रोविजन सेक्शन फोर बताता है। सेक्शन फोर ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बताएगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की प्रिंसिपल सीट कहाँ पे होगी, तो एट प्रेजेंट ग्वालियर में है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की प्रिंसिपल सीट। फिर क्लॉज टू, सेक्शन फोर का क्लॉज टू ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट और मेंबर को लगता है कि वो ग्वालियर के अलावा भी कहीं और बैठना चाहते हैं, तो वो उनके पास पावर है कि वो दूसरे प्लेस पर भी बैठ सकते हैं। फिर बात आती है सेक्शन फाइव और सेक्शन सिक्स की। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मेंबर्स हैं उनकी टर्म्स कंडीशन क्या होगी सर्विस की, और सैलरी और अलाउंस क्या होंगी। तो दोनों सेक्शन सेम बात कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बता देंगे कि उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है और सैलरी और अलाउंस क्या है। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन एट, जो कि बात करता है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। इसका मतलब ये कि जितनी भी अथॉरिटीज लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर दी है, उन सब अथॉरिटीज के ऊपर कौन बैठेगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और सुपरिटेंडेंस की पावर उन सारी अथॉरिटीज के ऊपर यूज करेगी। तो हम एमपी लैंड रेवेन्यू कोड को बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहीं कहीं हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सारी पावर्स को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है सेक्शन 29 क्लॉज 1 के अंदर ट्रांसफर ऑफ केसेस की पावर। सो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अगर एंड ऑफ जस्टिस के ग्राउंड पे लगता है, तो वो एक केस को एक रेवेन्यू ऑफिसर से दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर सकता है। फिर आता है सेक्शन 31 और 32। सेक्शन 31 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 31 बोर्ड को और रेवेन्यू ऑफिसर्स को कोर्ट का दर्जा देता है, कोर्ट का स्टेटस देता है। तो सेक्शन 31 ये बोलता है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर स्टेट गवर्नमेंट या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बीच में हो गया, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की पावर भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रखता है, और सेक्शन 32 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इनहेरेंट पावर्स देता है। फिर आता है सेक्शन 44, जो बात करता है एपिलेट पावर की। तो कमिश्नर के द्वारा जो भी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उनकी अपील कहाँ लगती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फिर आता है उसी के साथ साथ सेक्शन 50 रिविजनल पावर्स। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एप्लीकेशन के बेसिस पे या स्यू मोटो कमिश्नर के पास किए गए ऑर्डर के ऊपर रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन यूज कर सकता है। फिर आते हैं दो सेक्शन, सेक्शन 257 और 262।
257 हमें बताता है कि अगर बोर्ड ने कोई डिसीजन ले लिया है, कोई ऑर्डर पास कर लिया है जो वो कंपिटेंट था, ऑथराइज था इस कोड के अंदर डिसीजन लेने के लिए, तो सिविल कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं होगी कि वो अपना ज्यूरिसडिक्शन उस केस के ऊपर, उस ऑर्डर के ऊपर इस्तेमाल करें। और सेक्शन 262 क्लॉज 3 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पावर देती है कि एमपी लैंड रेवेन्यू कोड लागू होने के पहले अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स या केस पेंडिंग था तो वो केस इस कोड के लागू हो जाने के बाद किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फिर उस केस का विचारण करेगा और फिर उसमें डिसीजन सुनाने के लिए सक्षम होगा। तो ये सारी थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर्स। फिर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 9, जो कि बात करता है एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बाय सिंगल बेंच। इस सेक्शन को हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो आपके घर में जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो कौन है, वो आपके पेरेंट्स है। तो आपके पेरेंट्स ने अगर आपको पावर दी है कि आप जाके एक शॉप वाले से डील करिए, तो वो शॉप वाला क्या सोचेगा कि जो डिसीजन, जो बातें आप कर रहे हैं वो डिसीजन किसके हैं, आपके पेरेंट्स के। वैसे ही सेक्शन 9 बताता है कि अगर बोर्ड ने किसी सिंगल बेंच को या मेंबर को ये पावर दे दी कि आप एक केस को सुनिए और उस पर डिसीजन पास कर दीजिए, तो उस डिसीजन को किसका डिसीजन माना जाएगा, बोर्ड का डिसीजन माना जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का सेक्शन 10, जो कि बहुत कुछ सिमिलर है सेक्शन 262 क्लॉज 3 के अंदर। तो 262 क्लॉज 3 के अंदर क्या हो रहा था कि एमपी लैंड रेवेन्यू कोड पास होने के पहले जितनी भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वो किसके पास ट्रांसफर हो जाती है, बोर्ड के पास, और बोर्ड उसमें फिर उसमें प्रोसीडिंग्स चला के डिसीजन ले लेता है। तो ऐसे ही सेक्शन 10 जो है ये बोलता है कि जितनी भी अपील, रिवीजन या किसी भी कोई भी अदर प्रोसीडिंग्स इस कोड के लागू होने के पहले पेंडिंग थी, तो उसको कौन सुनेगा और डिसीजन लेगा, बोर्ड। सो गाइज, ये था हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 के हमने सारे सेक्शंस को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में। उसका जो सेक्शन 11 है, जो क्लासेस है रेवेन्यू ऑफिसर्स की, उसको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसको भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।